या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। सवाल इनका ये है कि हम जींस परस्ती को जायज़ या हलाल समझना ये कैसा है, क्या ये कुफ्र है या नहीं है। आजकल जो है वो टीवी वगैरह के ऊपर और इस तरीके का मामला जो है ना आम हो रहा है कि लोग हम जींस परस्ती को प्रमोट करते हैं, यानी होमोसेक्सुअलिटी इसको कह लें आप, मर्द का मर्द के साथ या औरत का औरत के साथ इस तरीके का मामला करना बहुत शदीद हुक्म भी है। ख़ास तौर से पिछली कौम का आपने तबाही और बर्बादी उलमा से बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि उसके अंदर ये बदफेली मर्द का मर्द के साथ बदफेली बहुत ज़्यादा आम थी। तो इस मामले में अगर इसको कोई शख्स जायज़ समझता है, क्योंकि हम जींस परस्ती का जो है वो हराम होना नस कतई से साबित है, और ऐसे किसी हराम को जायज़ या हलाल करार देना ये कुफ्र होता है। तो जो इसको प्रमोट करते हैं, इसको जायज़ समझते हैं या इसके अंदर कोई इनको ख़राबी नज़र नहीं आती, इसको हलाल समझते हैं, जाहिर सी बात है उनका इस्लाम से लेना देना नहीं है। और दूसरी बात ये कि लिवातत के बारे में तो वैसे भी हुक्म कितना शदीद है कि जो यानी अल्लाह तबारक व तआला की लानत का ज़रिया और जहन्नम का ज़रिया कि जो मर्द के साथ मर्द का मामला होता है, क्योंकि शहवत को पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़राए बताए हैं उन ज़राए के अलावा दीगर ज़राए को अपनाना ये नाजायज़ और गुनाह है। मिसाल के तौर पे बीवी है या फिर शरई एतबार से कनीज़ है, सिर्फ उनके साथ हम बिस्तरी जायज़ है, उसके अलावा उनसे भी मखसूस मकाम पर दीगर मकाम पर उनके साथ भी नाजायज़ है, और उनके अलावा मर्द का मर्द के साथ या औरत के औरत के साथ बदफेली या इस तरीके का मामला करना ये जायज़ है। इसको जायज़ समझना तो कुफ्र है, ठीक है। यानी इजमाई तौर पे जो हराम होते हैं और नस्य कतई से जो जिनकी हुरमत साबित होती है उनको जो है हलाल या जायज़ समझना कुफ्र होता है। मिसाल के तौर पर शराब भी है उसी के अंदर, जिस तरह हम जींस परस्ती है, जिना है, शराब है या सूद है, तो इनकी हुरमत जो है वो कुरान पाक से साबित है। तो इसको जो है ना हलाल जायज़ समझना ये कुफ्र है। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।